हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए बहुत ही जबरदस्त खबर है। किसके लिए? आईटी स्टॉक्स के लिए। टीसीएस, इंफोसिस, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, विप्रो, टेक महिंद्रा, आप पांचों के पांचों टॉप स्टॉक्स ले लीजिए आईटी बास्केट के। सबसे बढ़िया खबर इनके लिए है। क्यों है? देखिए, ईरान और अमेरिका में अक्सर झड़प होती रहती है। इस बार अमेरिका ने क्या किया, यानी कि यूएसए, ईरान यूएस की फिर लड़ाई, क्रूड ऑयल बढ़ा। जब भी ऐसा कुछ होता है तो कच्चे तेल के दाम आसमान छूने लगते हैं, और जैसे ही कच्चे तेल के दाम आसमान छूते हैं तो आपको पता ही है भाई, इंडिया की इकोनॉमी सब कुछ लड़खड़ा जाती है कच्चे तेल के जैसे ही दाम आसमान छूते, क्योंकि इंडिया भाई बहुत बड़ा इंपोर्टर है। किसका? कच्चे तेल का आयात करता है इंडिया। तो इंडिया भाई, इंडिया का जो रुपया है वो कमज़ोर हो जाता है। बेचारा कब तक खड़ा रहेगा? देखिए, कमज़ोर हो जाता है रुपया डॉलर के मुकाबले। जब डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर हो जाता है तो किसकी मौज आती है? आईटी कंपनीज की, क्योंकि ये डॉलर में कमाते हैं, रुपये में खर्च करते हैं, तो इनका रिवेन्यू बढ़ जाता है, इनका प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाती है, तो इनके तो मजे आ जाते हैं और इनके शेयर आसमान छूने लग जाते हैं। जरा इस रिलेशन को समझें। ये रिलेशन मैं कई बार आपको पुराने वीडियोज में भी बता चुका हूं, फिर से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि यहां पे कुछ कंडीशन, कुछ सिचुएशन ही इस तरीके की आ गई है कि भाई रुपया कमजोर हुआ डॉलर के मुकाबले, और TCS, इंफोसिस, HCL, टेक महिंद्रा शेयर जैसे शेयर्स की मौज आ गई। चलिए देखते हैं एक नज़र आज की डेट, यानी कि January 3, 2020 को जो ये अपडेट, ईरान यूएस की फिर लड़ाई जो स्टार्ट हुई है, और उसके साथ ही कच्चे तेल के दाम जो बढ़े हैं, और उसके बाद इन शेयर्स पे क्या इंपैक्ट उसका पड़ रहा है, उनको जानते हैं छोटे से वीडियो में। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और साथ में अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो भी पहली रिक्वायरमेंट डीमैट अकाउंट किया है, तो जाइए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, उस पर क्लिक करके अपना डीमैट अकाउंट ओपन कीजिए, तभी आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर पाओगे। अब मैं लेके चलता हूं आपको स्टॉक की तरफ। TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, वापस अभी कुछ दिन में गिरावट आई थी कुछ दिन पहले, लेकिन वापस उछलने लग गया। अब आज की डेट की देखिए, पूरा आईटी बास्केट में आपको दिखाऊंगा, यहाँ पे एक एक करके देखिए। आईटी सेक्टर TCS को देखिए, आज की डेट में ऑलमोस्ट 2% का उछाल देखने को मिला। शेयर जो कि बिल्कुल नीचे 2150 के लेवल पे आ गया था, वहां से जंप करके आज ऑलमोस्ट 2223 रुपए का इसने हाई बनाया। बहुत ही बढ़िया जंप, 40% के आसपास की डिलीवरी देखने को मिली है। जरा एक नजर डालिए, ये किसका रिजल्ट है? ईरान का जो एक जनरल था वहां पे, उनको मार दिया गया है। किसके द्वारा? अमेरिका के द्वारा। और ये डोनाल्ड ट्रंप ने सीधे कहा, भाई ये हमने किया है। ईरान का जो सुप्रीम लीडर, यहाँ पे एक जनरल था जो उनकी जनरल कासिम जिनका नाम है सुलेमानी, और उनको यहाँ पे एक एयर स्ट्राइक के द्वारा बगदाद एयरपोर्ट पे उनको मार दिया गया। और यहाँ पे ये जो डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा ये बात कही गई सीधे, भैया हमने ये काम किया है। तो उसके बाद ईरान ने भी रिटेलिएशन की बात जरूर कही है कि हम भाई रिटेलिएट करेंगे, और इसके चलते आपने देखा होगा कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस आसमान छूने लगे। चाहे आप WTI क्रूड की बात करो या फिर आप बात करो ब्रेंट क्रूड की, ये 4% तक का इनमें उछाल देखने को मिला है। बड़ा उछाल आप देख सकते हो कि किस तरीके से क्रूड ऑयल में बड़ा उछाल देखने को मिला, और इसका कारण एक ही है। क्या कारण है? ये यूएस की एयर स्ट्राइक में जो ईरानियन जनरल मारे गए हैं, और ईरान ने उस पर बदला लेने की बात कही है। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हो कि ये बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ईरान और यूएस के बीच में, ये बड़ा कॉन्फ्लिक्ट आता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इस सब के बीच में आपको से हमेशा कहता हूं कि भाई अलग अलग सर्कमस्टेंसेस, अलग अलग सिचुएशन शेयर मार्केट में आती रहती है, तो आपको अवेयर होना पड़ता है हर चीज से। देखिए, क्रूड ऑयल के प्राइसेस जब भी जंप करते हैं तो इंडियन इकोनॉमी के ऊपर, जैसे मैंने आपको बताया, बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। और उस इंपैक्ट का असर आपने देखा होगा कि किस तरीके से जो कोई कंपनीज या जो कोई इंडस्ट्री, क्रूड ऑयल जिनका जो है रॉ मटेरियल होता है, वहाँ पे उनके शेयर्स में नेगेटिविटी आती है। और आपको मैंने जैसे आईटी सेक्टर की बात बताई, वहाँ तो बहुत बढ़िया पॉजिटिविटी आती है। और दूसरी चीज़, क्योंकि डॉलर मजबूत हो जाता है वहाँ पे, और रुपया कमज़ोर होता है जनरली, डॉलर मजबूत नहीं होता, रुपया कमज़ोर हो जाता है अगर डॉलर के कंपेरिजन में देखा जाए तो कमज़ोर होता है। तो देखिए, आईटी कंपनी जो कि जिनका मेजर रेवेन्यू जो है वो अमेरिका से आता है, डॉलर वाली कंट्रीज से आता है, तो उनके ऊपर बहुत ही पॉजिटिव फायदा पहुंचता है, वो आप देख सकते हो यहाँ पे क्लियरली। ये कोई गलत वाली बात नहीं, आप क्लियरली देख सकते हो यहाँ पे TCS का शेयर 2% उछला आज की डेट में। अगर आपने मार्केट की कंडीशन देखी होगी
थी, मार्केट नीचे थी, लेकिन फिर भी आईटी शेयर। अगला शेयर देखिए इंफोसिस लिमिटेड को, आप देख सकते हो कि किस तरीके से इंफोसिस में अच्छी बात यह है कि पॉजिटिव फिर से उन लेवल पे आ गया जिन लेवल से इसने 14-15% की गिरावट देखी थी। अगर आप सोचिए सोचिए उन लोगों ने जिसको जिन्होंने 615 पे भरोसा करके इस शेयर को बिल्कुल 615 से 25 के लेवल पर उठाया था। अब आप कहेंगे अरे भाई अब तो हमारा प्रॉफिट बुक करने का टाइम आ गया। आज की डेट में 46 से 47% का उछाल डिलीवरी देखने को मिली है और ऑलमोस्ट 1.5% का उछाल इसमें देखने को मिला, 10 रुपये ये शेयर भी उछला है, बहुत ही बढ़िया। इसके अलावा अगले शेयर को देखिए HCL टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, इसमें भी 1.5% का उछाल आया है, 582 के लेवल पे ये पहुंच चुका है, 32% की डिलीवरी यहाँ पे भी देखने को मिली है। और अगर आप हाई देखें एक टाइम पे 588 तक पहुंच गया था आज की डेट में, और इसीलिए मैं पूरी की पूरी बास्केट को आपको दिखा रहा हूँ। विप्रो, विप्रो में भी 1% का उछाल आया, ये शेयर भी आप देख सकते हो क्लियरली 252 के आसपास का इसने हाई बनाया था आज की डेट में, डिलीवरी 23% यहाँ पे देखने को मिली। और टेक महिंद्रा, मैं ये 5 शेयर इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ये IT सेक्टर की जब बात आती है तो बड़े 5 शेयर यही है, इवन टेक महिंद्रा के में भी अच्छा खासा पॉजिटिविटी देखने को मिली है और एक टाइम पे 780 के लेवल पे ये चला गया था। अब मैं पूरी की पूरी आपको निफ्टी आईटी के बास्केट को दिखाता हूं। देखिए निफ्टी आईटी के बास्केट को अगर आप देखोगे पूरा का पूरा पॉजिटिव ये देखने को मिला है, जिसमें NIT टेक्नोलॉजीज है, TCS, HCL, इंफोसिस, टेक महिंद्रा, टाटा, LXI, विप्रो, माइंडट्री में इतना पॉजिटिविटी नहीं था, हेक्सावेयर और जस्ट डायल जो है नीचे बंद हुआ, लेकिन बड़ी कंपनी जिनका रेवेन्यू जो है वो US से आता है वो टॉप पे है। अब एक नजर जरा देखते हैं TCS से स्टार्ट करते हैं। TCS को आप देखिए भाई बहुत बढ़िया कंपनी है, मुझे तो अगर मैं TCS इंफोसिस की बात करूं ये दो टॉप की कंपनीज है, सस्ती प्राइसिंग में मिलती है तो बहुत जबरदस्त। अब सस्ती प्राइसिंग की बात मैं आपको हमेशा बता देता हूं, जब भी स्टॉक कोई सपोर्ट, बड़ा स्टॉक या छोटा स्टॉक, जब भी उसमें बाइंग रेंज दिखती है मैं आपको अपडेट किया जरूर किया करता हूं। जिस तरीके से यहां पे जब ये वापस 2000 के लेवल पे आया था तो भाई मैंने यहाँ पे अपडेट आपको किया था कि हाँ भाई आ चुका है शेयर, या फिर यहाँ पे ये नीचे बॉटम पॉइंट पे आया था, तो इस तरीके से क्योंकि ये शेयर सस्ते में मिलते हैं ना। जैसे ही देखिए मैं कहता हूँ कि इनमें 10 से 15% की गिरावट, 15-20% की गिरावट जो भी है वो एंट्री का मौका हो सकता है। देखिए 2300 से अगर मैं 10% मानता हूँ तो कितना होता है 230 रुपया, और 2300 से अगर मैं 230 माइनस कर दूँ तो कितना होता है, सीधे सीधे आप देखिए पहले 200 माइनस कीजिए, 2130 माइनस कीजिए, कितना हो जाएगा 2070 रुपये के आसपास। तो ये गिरावट आप देख सकते हो ये तो बिल्कुल 2000 के लेवल पे इसको लेके गई थी, तो भाई 10% से ऊपर की गिरावट है, बढ़िया मौका एंट्री का। और भाई इतने बड़े शेयर है बिना रिस्क के अगर आप 10-10% भी कमा रहे हो तो मुझे लगता है बहुत ही बढ़िया, आपने इस बॉटम पॉइंट पर कमाया, इस बॉटम पॉइंट पर कमाया और इस तरीके से स्ट्रांग रेजिस्टेंस जोन, लेकिन इसका भी 2290 के आसपास ये स्ट्रांग रेजिस्टेंस जोन इसका है TCS के लिए, जरा ध्यान देने वाली बात है। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि भाई अगर आप छोटे इन्वेस्टर भी हो तो फंडामेंटल्स तो आप देखिए भाई, स्टॉक चूज करने के लिए फंडामेंटल्स देखिए, लेकिन कब उसमें एंट्री करनी है, कब उसमें प्रॉफिट बुक करना है, ये चीज़ें आप सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए जो है आप टेक्निकल पे फोकस कीजिए। तो ये दोनों चीज़ों को अगर आप साथ लेके चलोगे तो आपको भाई बल्ले ही बल्ले फंडामेंटल स्टॉक्स के टेक्निकल देख के आप खरीदारी और प्रॉफिट बुकिंग टाइम टू टाइम कर सकते हो। उसी तरीके से आप देखिए, ये तो TCS की बात करी, अब आप इन्फोसिस को देख लीजिए, इन्फोसिस में कितनी बड़ी गिरावट आई थी और उस टाइम पर हम बार बार कह रहे थे कि भाई इन्फोसिस पर तलवार लटक रही है, लेकिन लोगों का भरोसा इस पे कायम है, इन्वेस्टर्स इसमें बहुत भरोसे हैं। और क्या आप भी उन लोगों में से एक हो जब ये 610-615 के लेवल पे अभी रिसेंटली गया था, तो आपने भी क्या इसमें खरीदारी करी? अगर करी है तो कमेंट के थ्रू जरूर बताएं, क्योंकि इन्फोसिस मुझे लगता है कि इन्वेस्टर्स का जो भरोसा था, चाहे वो इसमें जो विशल ब्लोअर की कंप्लेंट आई, लेकिन फिर भी भरोसा कायम था लोगों को, क्योंकि भाई ये स्टॉक डिविडेंड, बोनस, शेयर बायबैक इस तरीके से बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट करते रहता है टाइम टू टाइम फ्रेम। HCL टेक्नोलॉजीज अभी रिसेंटली बोनस इसने दिया है और बोनस के बाद करेक्शन जरूर आया है, लेकिन अगर आप कंपैरिजन करोगे TCS इंफोसिस के कंपैरिजन में नंबर्स में, तो भाई बहुत बढ़िया नंबर्स इसका भी है। ये बड़े बड़े स्टॉक है जिनको आप ब्लू चिप शेयर्स करते हो, लार्ज कैप स्टॉक करते हो। आप देखिए विप्रो 250 के लेवल पे जरूर है, अभी काफी सस्ते में मिल जरूर रहा है, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पे भी अप्रिसिएशन देखने को मिल रही है। और टेक महिंद्रा भाई, अगर ये वॉर कंडीशन जो अभी US और ईरान की इस तरीके से चलती रहेंगी ना, तो इन कंपनीज के बल्ले बल्ले आती रहेगी, क्योंकि जो क्रूड ऑयल है और ऊपर जाएगा तो फिर रुपया और कमजोर होगा, तो इनके मजे आएंगे। और इनका जो अगले क्वार्टर का रिजल्ट आएगा ना, जो मार्च क्वार्टर का रिजल्ट, उसमें इसका इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है, क्योंकि सीधे सीधे नंबर्स पे असर पड़ता है, नंबर्स पे असर पड़ेगा, पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी तो इनके प्रॉफिट पे असर पड़ेगा। तो आपने यहां पे मैंने आपको सीधे एक बेसिक सिंपल रिलेशन बताया, क्रूड ऑयल, डॉलर, रुपया,
ईरान, यूएस, पूरा मिडिल ईस्ट, सारी चीज़ें बताने की कोशिश करी। और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको चीज़ें समझ में आए होंगे, आप कोरिलेट कर पाए होंगे चीज़ों को। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और आपकी क्या राय है कि मिडिल ईस्ट में ये जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है इसकी वजह से आईटी बास्केट कहाँ जाएगी, अप जाएगी, डाउन जाएगी, अपने कमेंट्स के थ्रू जरूर बताएं आपकी अपनी राय। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।